आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्या प्रेम की कथा कल 29 जून को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने जा रही है, जिसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको कंप्लीट बताता हूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म का बजट कितना है, इस फिल्म को शोज कितने मिले हैं और अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है इस फिल्म की तरफ, सब कुछ बताने वाले हूं। लेकिन बताने से पहले ऑफकोर्स यार क्या करना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, जो कि आप लोग नहीं करते, वीडियो को देखे भाग जाते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको लाकर देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सत्या प्रेम की कथा के डायरेक्टर है समीर विद्वांस। मैंने इससे पहले इनकी कोई फिल्म नहीं देखी तो मुझे इनका रिकॉर्ड नहीं पता कि ये डायरेक्टर कैसे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई इनकी बड़ी फिल्म आई हो। आई डोंट नो, आपके क्या रिमार्क्स, अगर आपने समीर साहब की कोई फिल्म देख रखी है तो आप मुझे बताइएगा कि इनकी डायरेक्शन कैसी है। और अगर आप समीर साहब की कोई फिल्म मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई ये देखें बहुत कमाल है, तो मुझे बताइएगा, मैं वो जरूर वॉच करूंगा। नेक्स्ट बजट गाइस, सत्या प्रेम की कथा का बजट है 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ के अंदर गाइस इस फिल्म को बनाया गया है, मतलब बजट इतना ज्यादा नहीं है। याद रखिएगा, आज के इस टाइम में अगर फिल्म का बजट 100 करोड़ से ज्यादा हो तो वो बड़े बजट की फिल्म होती है, और 100 करोड़ से कम के बजट की फिल्म हो तो वो कम होती है, और अगर 50 करोड़ से भी नीचे हो तो वो बिलो एवरेज में आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गाइस शोज की तरफ। तो गाइस शॉकिंगली सत्या प्रेम की कथा को अभी तक जो शोज मिल चुके हैं गाइस वो हैं 3200। भाई ये बहुत ज्यादा शोज होते हैं, अनबिलीवेबल शोज हैं। अब गाइस मजे की बात यह है कि इन 3200 शोज में से जस्ट मुंबई के अंदर ही 800 प्लस शोज हैं। तो ये कार्तिक आर्यन की भाई वैल्यू है जो इनको इतने ज्यादा शोज मिल रहे हैं। नहीं तो आजकल के ये जो यंग लौंडे आ रहे हैं जिनकी नई नई मूवीज आती है, इनको गाइस इतने शोज नहीं मिलते। मैं आपको बताऊं, कार्तिक आर्यन की लास्ट ईयर फिल्म आई थी भूलभुलैया 2, जिसे जस्ट 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। 1200 स्क्रीन पर रिलीज करने के बाद उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी गई थी, लगभग 250 करोड़ रुपए। तो यहां पे तो अभी 3200 शोज हैं, अनबिलीवेबल शोज भाई साहब। बड़ी फिल्मों को इतने शोज मिलते हैं जिनका बजट 200-250 करोड़ होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सिंगल लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज होगी, हिंदी लैंग्वेज में, और हिंदी से इसकी अभी तक कल इस फिल्म ने रिलीज होना है, अभी समझिए कि एक दिन बचा हुआ है, तो अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है 80 लाख रुपीज की, एंड 30,000 टिकट्स सोल्ड आउट, एवरेज टिकट प्राइस 207 रुपए। अब मार खाती हैं ये फिल्म्स गाइज कहां पर आकर, एडवांस बुकिंग में आके। देखिए ना, 3200 स्क्रीन्स, बजट भी कम, कार्तिक आर्यन कोई छोटा मोटा स्टार है नहीं, एक लव स्टोरी टाइप फिल्म है, लेकिन गाइज कितनी हो रही है एडवांस बुकिंग, 80 लाख। यानी कल या सुबह तक लगभग 1 करोड़ या चलिए 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाएगी, वो भी कम है। मतलब कि कार्तिक आर्यन की फिल्म हाईली चांसेस हैं कि कल डे वन में डबल डिजिट में कलेक्शन ओपनिंग ना ले पाए। मे बी लेकिन डबल नंबर्स में जाएगी भी कहां तक, मुझे नहीं उम्मीद कि 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ तक ये चली जाए या इससे ऊपर चली जाए, इससे नीचे ही आने वाली है। तो ये क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है कि कार्तिक आर्यन आज के जोनरा को नहीं समझ रहे। देखिए गाइस, आज के इस टाइम पे पूरी दुनिया को आप ले लो, सिर्फ 2 जोनरास चल रहे हैं, एक एक्शन जोनरा, एक कॉमेडी जोनरा। लव स्टोरी जोनरा बहुत पीछे रह गया है भाई। देखिए ना, मैंने जब सत्या प्रेम की कथा का ट्रेलर देखा तो मुझे कंप्लीटली कबीर सिंह जो फिल्म थी उसकी वाइब्स आई। बाकी आप मूवी देखेंगे कि स्टोरी किस तरफ घूम रही है, लेकिन ऑडियंस पक चुकी है भाई साहब ये देख कर लव स्टोरी ये वो, अब उसको कुछ नया चाहिए। देखिए ना, सालार एक्शन फिल्म है, क्या होने जा रहा है, जवान एक्शन फिल्म है, क्या होने जा रहा है। बाकी डंकी वो एक और टाइप फिल्म है, क्योंकि उसके डायरेक्टर राजकुमार हिरानी साहब हैं। तो इस वजह से ज्यादातर जो अपकमिंग मोस्ट मच अवेटेड फिल्म्स आ रही हैं वो कौन सी है, वो एक्शन पर बेस है। तो कार्तिक आर्यन भाई टैलेंटेड एक्टर है, इससे जो मर्जी करवा लो, आप एक्शन करवा लो, शहजादा के अंदर एक्शन कमाल का था, कॉमेडी करवा लो, कमाल की कॉमेडी, रोमांस भी अच्छा है, मतलब कि लव एंगल भी अच्छा है, लेकिन आज का टाइम नहीं है ना लव एंगल का। तो कार्तिक आर्यन को चाहिए कि भाई जो स्क्रिप्ट है वो हैवी चूज करनी चाहिए उन्हें। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, पसंद नहीं पसंद चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और अगली वाली वीडियो तक रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।